कौन कौन सा एलिमेंट किस किस जगह से ला करके हमने इसमें लगाया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी जो विज़न है उसको हम दोनों ने जो विज़न दिया है जो पूरे भारतीय रेलवे में स्टेशंस को आगे इम्प्रूव करने का, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसी कड़ी में हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने इसमें आगे कार्य को बढ़ाते हुए हमारे NCR रेलवे के खजुराहो स्टेशन को एक पूरा नया स्वरूप दिया है। इसका डिज़ाइन पिछले माह माननीय रेल मंत्री जी ने अप्रूव किया, उसके बाद हमने इस पर आगे कार्य किया। हमने माननीय सांसद जी से बात की और समय लिया और आज हम मिल पाए हैं। जैसा कि आपने इसका पूरा स्वरूप देखा है, ये बहुत भव्य स्टेशन है और अभी भी स्टेशन वो काफ़ी बड़ा है, परंतु उसके अंदर जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हम लोग यात्रियों को देंगे और जो इसका फसाद है, जो वहाँ के मंदिरों के एक एक एलिमेंट्स को ला कर के हमने इसके इसके फसाद में जो हमने फिक्स किए हैं, और हम लोगों ने कंसल्टेंट के साथ काफ़ी मीटिंग्स की और मैंने 2-3 सैंपल भी मैंने माननीय सांसद जी को दिखाए कि क्या हमने एक्सेप्ट किया, क्या हमने रिजेक्ट किया। तो वास्तव में सांसद जी ने भी ये माना कि ये जो हमने एक्सेप्ट किया है, जो हमने फाइनली अप्रूव हुआ है, सबसे बेहतरीन है। यात्रियों के लिए इसमें कॉन्कोर्स होगा, बाकी फैसिलिटीज़ होंगी, और आपको जानकारी के लिए खजुराहो स्टेशन के पास में एक बजट होटल भी IRCTC बना रहा है। तो मान के चलें कि जब इतनी दूर यात्री आएगा तो उसको कहीं दूर रहने की भी दिक्कत नहीं होगी। वो स्टेशन का पार्ट नहीं है पर वहाँ से 100 मीटर दूरी पर बहुत बेहतरीन एक बजट होटल भी IRCTC ये करीबन लगभग मैं मानता हूँ कि 300 से 350 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें है और सभी सुविधाओं से लैस होगा। और इसमें बेसिकली आपने देखा होगा कि नॉर्थ साइड में थोड़ी जगह कम है, हमने माननीय सांसद जी से अनुरोध करके हम वहाँ पे भी थोड़ा सा अधिग्रहण करेंगे, बिकॉज साउथ साइड में तो हमारे पास बहुत जगह है, वो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। और दोनों तरफ से इसकी एंट्री रहेगी और हम लोग 2 साल के अभी इसमें आगे प्रक्रिया चल रही है, हमें लगता है कि दिसंबर तक हम लोग टेंडर करने की स्थिति में हो जाएंगे। तो और उसके बाद हम 2 साल के भीतर इसको बना लेंगे, बिकॉज वहाँ बनाने में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है और यात्री सुविधाओं का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। सर, ये जो स्वरूप है, सर, ये इसमें क्या खजुराहो के मंदिर भाग्य है और मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और एक विजनरी व्यक्तित्व से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ, बुंदेलखंड की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो को आज मॉडल का जो प्रेजेंटेशन है, हमारे आदरणीय GM साहब और हमारे DRM साहब दोनों आज उन्होंने प्रस्तुतिकरण इसका किया है। तो आज इसकी शुरुआत ये पब्लिक में आज लॉन्च हुआ है कि विश्व स्तरीय खजुराहो का रेलवे स्टेशन का स्वरूप क्या होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ। और रेल मंत्री जी का दौरा जब खजुराहो हुआ था, आदरणीय GM साहब भी थे, हमारे DRM साहब पूरा और वहाँ के जनप्रतिनिधि, इसलिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर है कि आज इस रेलवे स्टेशन के स्वरूप को आज से शुरुआत इसकी हो रही है, प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है और एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा। पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश के क्षेत्र में जो टूरिज्म है, क्योंकि खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए उसमें से एक खजुराहो में है, तो इसलिए इस नाते से टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्षेत्र की जनता के आय के संसाधन भी इसके कारण से बढ़ेंगे और भी कई प्रकार की चीज़ें, आदरणीय GM साहब भी इन सारी चीज़ों को हमें बताएंगे, कई प्रकार की सुविधाओं से युक्त समय के आज के समय के अनुकूल इस रेलवे स्टेशन में समाहित किया है। महाराजा छत्रसाल जो उस क्षेत्र के बुंदेलखंड की जनता के हृदय के सम्राट हैं, उनका रिफ्लेक्शन भी इस रेलवे स्टेशन पर आएगा, उनकी उपस्थिति कैसे होगी इसके बारे में भी हमारे प्रशासन ने इसके बारे में उस पर चिंता की है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक आधुनिक रेलवे स्टेशन जो विश्व स्तरीय है, इसका आज मॉडल का प्रेजेंटेशन यहां पर हुआ है।